वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट थर्ड का एजुकेशन का जो सेकंड पेपर है उसके एमसीक्यू लेके आया हूँ, और इसका जो नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये 2022 के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें से सही है एक सही है और सही उत्तर आपको उसका लिखना हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, कैंपबेल दिया हुआ है, गिलफोर्ड दिया हुआ है, स्टीवेंस और क्रॉनबैक। तो इसका जो आंसर है आपका सा आपका आंसर सही हो जाएगा, स्टीवेंस। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यह कथन है मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी पदार्थ या व्यक्ति में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है जी सी हेल्म स्टेड का है, स्टीवेंस का है, कैम्पबेल और गिलफोर्ड का। तो सेकंड का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा आ सही हो जाएगा, जेसी हेल्म स्टेड वाला, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मापन का शिक्षा में महत्व है, मतलब मापन का जो शिक्षा में महत्व है शिक्षण विधि बनाने में है या मूल्यांकन करने में सहायक है, योग्यता की मात्रा जला जानने में है या विचलन करने में है सी। तो थर्ड का जो है हमारा सा सही हो जाएगा, ठीक है, योग्यता की मात्रा जानने में। फोर्थ हमारा कह रहा है कि मापन होता है, ठीक है, मापन होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक, गुणात्मक या भावात्मक या उपरोक्त सभी। तो फोर्थ का जो आंसर है हमारा वो हमारा आ मात सॉरी फोर्थ का जो है वो हमारा आ सही हो जाएगा, मतलब मात्रात्मक, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मापन के स्तर या मापनी है नामित स्तर है या क्रमिक स्तर है, अंतराल स्तर है या उपरोक्त सभी स्तर है। तो इसके पांचवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर ये सभी हो जाएगा, द वाला, ठीक है। इसमें नामित स्तर भी हो जाएगा, अंतराल स्तर भी हो जाएगा और आपका क्रमिक स्तर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है दावो सही है। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मापक मात्रात्मक होता है, ठीक है ना, आपको सत्य असत्य छांटने इसमें छांटने हैं, तो ये आपका सत्य है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मापन एवं मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपका असत्य है। फोर्थ आपका कह रहा है मूल्यांकन का अर्थ है मापन प्लस मूल्य निर्धारण, ये आपका सत्य है। फाइव क्वेश्चन है विश्वसनीयता का अर्थ है प्राप्तांकों में स्थिरता व एकर समता, ठीक है ना, एकर सता, इसका आंसर जो आपका सत्य है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है परीक्षण की लंबाई बढ़ने से परीक्षण की विश्वसनीयता घट जाती है, ये आपका है असत्य। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन आपका है कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग बुद्धि मापने के लिए किया जाता है, सत्य है। आठवां क्वेश्चन उपलब्धि परीक्षण का उपयोग छात्र की शैक्षिक उपलब्धि मापन हेतु नहीं किया जाता, असत्य है आपका। नवा क्वेश्चन आपका है मूल्यांकन गुणात्मक होता है, सत्य है। दसवां क्वेश्चन विद्यालयी परीक्षा में शिक्षक निर्मित परीक्षण उपयोग में लाया जाता है, ये आपका सत्य है, ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन है फलांकन के आधार पर परीक्षण वैयक्तिक या सामूहिक प्रकार का होता है, असत्य है आपका।
12वां क्वेश्चन कह रहा है, उपलब्धि व्यक्तित्व परीक्षणशील आधारित परीक्षण है, सत्य है आपका। 13वां क्वेश्चन है, स्टीवेंस ने मापन को 4 स्तरों में विभक्त किया है। स्टीवेंस ने अपने जो मापन है उसके लिए कितने स्तरों में विभक्त किया है? 4 स्तरों में। तो अगर किया है तो सत्य है, नहीं किया है तो असत्य है। तो ये मतलब किया है तो सत्य हो गया आपका। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, सतत आंतरिक मूल्यांकन में मूल्यांकन करता शिक्षक होता है, आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद में, इसके बाद 6वां क्वेश्चन हमारा आ गया कि शैक्षिक मूल्यांकन के बिंदु हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के बिंदु है मतलब शैक्षिक उद्देश्य है या सीखने के अनुभव, उपरोक्त सभी, ये व्यवहारिक परिवर्तन। तो शैक्षिक मूल्यांकन के जो बिंदु हैं वो आपके उपरोक्त सभी हैं, सीखने के अनुभव भी होगा इसमें, शैक्षिक उद्देश्य भी है और व्यवहारिक हमारा परिवर्तन भी है। 7वां क्वेश्चन है, मापन का कौन सा स्तर या मापनी सर्वाधिक वैज्ञानिक व विश्वसनीय है? क्रमिक स्तर है, नामित स्तर, अनुपात स्तर या अंतराल स्तर? सेवंथ का, तो सेवंथ का हमारा अनुपात स्तर जो है सा वाला सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, मापन व मूल्यांकन का शिक्षा में महत्व है। ठीक है ना, मापन व मूल्यांकन का शिक्षा में महत्व है। फर्स्ट कह रहा है, अध्यापक की प्रगति जानने में या छात्र योग्यता जानने में, शिक्षण विधि अब बनाने में, ये उपरोक्त उपर्युक्त सभी। तो 8वें का जो है आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, अध्यापक की प्रगति जानने में भी है, छात्र योग्यता जानने में और शिक्षण विधि बनाने में। 9वां क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन होता है गुणात्मक होता है या परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है या भावात्मक होता है? तो मूल्यांकन होता है आपका, इसका जो आंसर है करेक्ट आपका गुणात्मक है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका, कि ऐसे परीक्षण द्वारा जो विशेषज्ञों द्वारा निर्मित हों, जिनकी विश्वसनीयता, वैधता, प्रशासन विधि, फलांकन विधि व मानक ज्ञात हों कहलाते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण कहलाते हैं या वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाते हैं, मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं या सामूहिक परीक्षण कहलाते हैं? तो 10th का आपका सा सही हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है ना, 11वां क्वेश्चन है हमारा, कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है, बुंट ने कब स्थापित की? 1779 में, ठीक है, 1779 में, 1779 में ही, सॉरी यहाँ पे 1879 दिया हुआ है, ये 1779 और 1679 में। तो 11वें का जो हो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आ हो जाएगा 1879। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, मतलब मूल्यांकन का जो अर्थ है वो किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। ये कथन है, इसका रेमर्स एवं गेन का है या एस एस स्टीवेंस का है, ठीक है, बांट और ब्राउन का है या टारगेसन एवं एडम्स का है? ठीक है ना, टारगेसन एवं एडम्स का। तो 12वां क्वेश्चन हमारा है, तो 12वां क्वेश्चन का जो आंसर है टारगेसन एवं एडम्स का है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 10 सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है हमारा, कि यह परिभाषा दी गई है, मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। इसका ऑप्शन आपका रेमर्स एवं गेन दिया हुआ है, सेकंड आपका बांट एवं ब्राउन है, थर्ड आपका कैंप बैल है और फोर्थ आपका जो है स्टीवेंस है। तो 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो रेमर्स एवं गेन हो जाएगा, मतलब आपका आर क्वेश्चन नंबर जो है सही है फर्स्ट वाला। ठीक, 14वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक होता है या यथार्थ होता है, सीमित होता है या संकुचित होता है? तो 14वां क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो आपका आ सही हो जाएगा, मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, कि कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? ठीक है, निरीक्षण प्रविधि, सॉरी निरीक्षण विधि या डॉक्टरी जांच, प्रश्नावली विधि या प्रक्षेपण विधि? तो 15वें का क्वेश्चन जो है आंसर जो है हमारा वो डॉक्टरी जांच करेक्ट हो जाएगा हमारा सा वाला। ठीक है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है, सतत आंतरिक मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता होते हैं प्रबंध समिति,
या विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं, या शिक्षक होते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो 16वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा शिक्षक है, मतलब सा हमारा सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि कोई वस्तु कितनी है इसकी जानकारी होती है मापन से होती है, मूल्यांकन से, परीक्षण से, या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से, ठीक है ना। 17वें का तो अगर कोई वस्तु कितनी है इसकी जानकारी कैसे होगी, मापन से होगी, तो हमारा आग जो है वो सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है हमारा, कोई वस्तु कितनी अच्छी है इसकी जानकारी होती है, कोई वस्तु कितनी अच्छी है उसको हम कैसे पता करेंगे, मापन से, या परीक्षण से, मूल्यांकन से, या सहसंबंध से। तो 18वें का जो आंसर है वो आपका, इस कोई वस्तु कितनी अच्छी है इसका हम मूल्यांकन ही करते हैं, तो हमारा बा जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में बी में कह रहा है यहाँ पे कि नोट निम्नांकित के सत्य असत्य कथन में से सही चुनिए, ठीक है। तो फर्स्ट है, किंग ने कहा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये सत्य है या असत्य हमें छांटना है केवल इसमें से, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके सॉरी, सेकंड आपका कह रहा है मापक मात्रात्मक होता है, ठीक है ना, मापक जो है सर ये आपका असत्य है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है हमारा वो असत्य है। सेकंड कह रहा है मापक मात्रात्मक होता है, तो मापक मात्रात्मक होता है सही है, तो ये हमारा सत्य है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि मापन एवं मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फोर्थ हमारा है, मूल्यांकन का अर्थ है मापन प्लस मूल्य निर्धारण, ठीक है, मापन का मूल्यांकन का जो अर्थ है, चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो मापन प्लस मूल्य निर्धारण, तो ये सत्य है असत्य, तो ये ऑप्शन जो हमारा है वो सत्य करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीयता का अर्थ है, ठीक है ना, विश्वसनीयता का अर्थ है प्राप्तांकों में स्थिरता व एकर्षता, ठीक है ना। तो 5 का जो है वो आंसर हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 6 कह रहा है, परीक्षण की लंबाई बढ़ने से परीक्षण की विश्वसनीयता घट जाती है, तो 6 है, 6 का आंसर हमें सत्य असत्य में देना है, तो ये आंसर हमारा असत्य हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग बुद्धि मापने के लिए किया जाता है, बुद्धि परीक्षण का जो उपयोग है वो बुद्धि मापने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग छात्र की शैक्षिक उपलब्धि मापने हेतु नहीं किया जाता है, मतलब उपलब्धि परीक्षण का जो उपयोग है वो छात्र की शैक्षिक उपलब्धि मापने हेतु नहीं किया जाता है, तो 8वें का आपको आंसर देना है सत्य असत्य में, तो ये आंसर आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन गुणात्मक होता है, मूल्यांकन जो होता है वो गुणात्मक होता है या नहीं होता है, तो मूल्यांकन जो है वो गुणात्मक होता है, तो ऑप्शन हमारा ये सत्य हो जाएगा यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन है हमारा, विद्यालयी परीक्षा में शिक्षक निर्मित परीक्षण उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना, विद्यालयी परीक्षा में शिक्षक निर्मित परीक्षण उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें ये सत्य असत्य, तो ये हमारा ये सत्य है, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि फलांकन के आधार पर परीक्षण वैयक्तिक या सामूहिक प्रकार का होता है, ठीक है ना, फलांकन के आधार पर परीक्षण जो है वो वैयक्तिक या सामूहिक प्रकार का होता है, तो 11वीं का हमारा ये आंसर जो है हमारा असत्य हो जाएगा, मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन है, उपलब्धि व्यक्तित्व परीक्षणशील आधारित परीक्षण है, ठीक है ना, तो 12वीं का क्वेश्चन जो है हमारा वो सत्य हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, स्टीवेंस ने मापन को 4 स्तरों में विभक्त किया है, ठीक है ना, तो ये 4 स्तरों में पहले ही बता चुके हैं, तो ये आपका सत्य है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि सतत आंतरिक मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता शिक्षक होता है, तो 14वें का जो आंसर है वो हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है जो है कि सतत आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य रोजगार हेतु चयन है, सतत आंतरिक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो रोजगार हेतु चयन है, ठीक है, तो 15वें का जो आंसर है वो हमारा असत्य हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, एक अच्छे परीक्षण की कसौटियाँ व्यवहारिक व तकनीकी दोनों हैं,
एक अच्छे परीक्षण की जो कसौटियां हैं वो व्यवहारिक व तकनीकी दोनों हैं। तो ये सत्य या असत्य में इसका आंसर देना है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। 17वां सवाल क्वेश्चन सॉरी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बुंट के द्वारा 1879 में स्थापित की गई, ठीक है ना? तो ये 17वीं का जो आंसर है वो हमारा सत्य हो जाएगा। 18वां कह रहा है, सुगमता एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता है। सत्य असत्य है, ये हमारा क्या है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि मानकीकृत परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं जिनकी फलांकन विधि प्रशासक प्रशासन विधि मानक व निर्देश ज्ञात होते हैं। तो 19वीं का आंसर हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की अर्ध विच्छेद विधि नहीं है। परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की अर्ध विच्छेद विधि नहीं है, तो ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टरी जांच मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। डॉक्टरी जांच मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, मतलब नहीं है। 22वां क्वेश्चन, एक परीक्षण जब सत्यता व यथार्थता के साथ वंचित योग्यता या विशेषता का मापन करता है तो उसे वैध व प्रमाणिक कहा जाता है, ठीक है ना? तो 22 का क्वेश्चन जो है वो हमारा सत्य है। 23 क्वेश्चन कह रहा है, विश्वसनीयता एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता है। 23वां, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म हो गई, सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें सही विकल्प ही छांटना है, ठीक है। तो ये कथन है, सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी जो है वो अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है। तो सबसे पहले वेबस्टर दिया हुआ है यहाँ पे, बार्डन गटन दिया हुआ है, क्राउडन दिया हुआ है, क्राउडन, ठीक है, और सेलिकमैन दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा बा वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, ठीक है ना? तो सांख्यिकी के जन्मदाता डॉक्टर बाउले हैं या क्राउडन या सिम्पसन या गॉट फ्राइड, ठीक है। तो सांख्यिकी के जो जन्मदाता हैं वो गॉट फ्राइड हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है वो द करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि सांख्यिकी प्रदत्तों के संग्रह उनके विश्लेषण व निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। ये कथन है, मतलब ये कथन किसका है, रोबर्टस का है, ठीक है, कैंडल व बकलैंड का है, वेब स्टर का है या लॉबिट का है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा ऑप्शन व हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैंडल व बकलैंड वाला, ठीक है। चौथा तो क्वेश्चन है हमारा कि सांख्यिकी का अर्थ अनुसंधान की किसी विभाग में ऐसे तथ्यों का संख्यात्मक कथन है जो एक दूसरे से संबंधित हैं, ये कथन है, ठीक है ना? तो लॉबिट का है, ब्राउली का, या सट क्लिक का है, या फर्ग्यूशन का है, ठीक है ना? फर्ग्यूशन तो फोर है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ब्राउली। पांचवा क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द बना है, सांख्यिकी शब्द किससे बना है, स्टेटस से बना है, स्टेटस से, ठीक है ना, स्टेटस स्टेट या स्टेटस से, स्ट्रेट से या स्टैटिको से, ठीक है ना, स्टैटिको। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, तो पांचवा क्वेश्चन जो है वो ये किस सांख्यिकी किससे बना है, स्टेटस से बना है, ठीक है ना? तो सर हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी एक उत्पाद है, एक प्रक्रिया है, एक अभिव्यक्ति है या एक अनुप्रयोग है? तो सांख्यिकी जो है वो एक हमारी क्या है, एक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन हमारा बा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी का अर्थ है, ठीक है ना, कि किसी की अभिव्यक्ति का टेस्ट करना। सांख्यिकी का जो अर्थ है किसी की अभिव्यक्ति का टेस्ट करना, या बा वर्ग के ज्ञान का विस्तार करना, ठीक है, तथ्यों की तुलना व उनमें संबंध स्थापित करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सा सही हो जाएगा, तथ्यों की तुलना व उनमें संबंध स्थापित करना। आठवां क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र को बुद्धि परीक्षण में 140 अंक प्राप्त हुए हैं, सांख्यिकीय भाषा में इन अंकों को कहेंगे। सांख्यिकीय
या आंकड़े कहेंगे, आंकड़े ठीक है, मध्यमांक कहेंगे, तथ्य कहेंगे, या उपर्युक्त सभी कहेंगे। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर है हमारा आ, इसमें करेक्ट हो जाएगा प्रदत्त, या इसे हम आंकड़े आंकड़े कहेंगे। ठीक है, नवा क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 396 दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा वर्गमूल बा वाला करेक्ट हो जाएगा, 19.899। ठीक है, दसवां क्वेश्चन है हमारा कि किसी वितरण में किसी संख्या का बार बार आना कहलाता है, किसी वितरण में किसी संख्या का बार बार आना कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, सारणी अंक कहलाता है, मध्यमांक कहलाता है, या प्रदत्त कहलाता है। तो दसवें का आंसर जो है किसी संख्या का बार बार आना हमारे लिए क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन आपका आ सही हो जाएगा। 11 कह रहा है यदि कोई संख्या 3 बार आवृत्ति वितरण में आती है, यदि कोई संख्या 3 बार आवृत्ति वितरण में आती है तो उसकी आवृत्ति होगी, 1 होगी 2 0 या 3। ठीक है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होती होगी, बार 3 बार आ रही तो 3 होगी उसकी, तो द हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम प्राप्तांक व न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहते हैं, उच्चतम प्राप्तांक व न्यूनतम प्राप्तांक के बीच को हम मध्य बिंदु कहेंगे, या प्रसार कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे, या वर्गांतर कहेंगे। तो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा बा करेक्ट हो जाएगा, इसे हम प्रसार कहेंगे। ठीक है ना, उच्चतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच को हम क्या कहेंगे, उसके अंतर के लिए प्रसार कहेंगे। 13वां क्वेश्चन है निम्नतम व उच्चतम सीमाओं के मध्य का मान कहलाता है, निम्नतम व उच्चतम सीमाओं के मध्य का मान कहलाता है, प्रसार कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, या मध्य बिंदु या वर्गांतर। 13, तो 13 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो मध्य बिंदु करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सा। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि वर्गांतर 30 40 का मध्य बिंदु बताइए। ठीक है ना, 30 होगा, 34 होगा, 32 होगा, या 31 होगा। तो 14 का जो होगा वो 32 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 30 और 34 के बीच क्या आ रहा है हमारा, 32 करेक्ट है। ठीक है ना, इसका मध्य बिंदु। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है हमारा कि किसी आंकड़े में अधिकतम अंक 80 हैं व न्यूनतम अंक 30 हैं, इसका प्रसार बताइए। ठीक है ना, इसकी रेंज पूछ रहा है, तो उसकी रेंज बताइए, 50 होगी या 110, 55 या द ऊपरी ऊपरी में से कोई नहीं, तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी हमारी, 50 होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन आप हमारा आ जो है वो सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है हमारा किसी किन्हीं प्राप्तांकों का प्रसार 50 व वर्ग विस्तार 5 है, वर्गांतर की संख्या संख्या बताइए। ठीक है ना, 16वां क्वेश्चन, तो वर्गांतर की इसमें संख्या आपको बतानी है, तो वर्गांतर की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, तो वर्गांतर की संख्या इसमें हमारी हो जाएगी 16वें में हमारे इसमें द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 11। 17वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना, अपवर्जी विधि से, समावेशी विधि से, या वास्तविक सीमा विधि से, या शुद्ध विधि से। ठीक है ना, तो 17वें का जो ऑप्शन है वो हमारा अपवर्जी विधि से करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा आ जो है वो सही है। इसके बाद कह रहा है हमारा वर्गांतर को पूर्ण कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है वर्गांतर 30 से 35 दिया हुआ है, यहाँ पे 29.50 से 34.50 दिया हुआ है, मतलब हमें इसका पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो है इसमें हमारा 18 में 30 और 34 वाला जो है वो वह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है हमारा कि आवृत्ति वितरण से प्राप्तांकों के दिए गए वर्गांतर या प्रसार में पड़ने वाली घटनाओं की संख्या का बोध होता है, ये परिभाषा दी गई है, गैरेट ने दी है, या चैपलेन ने, फर्ग्यूसन ने, या लॉबेट ने। तो 19 का जो आंसर है वो हमारा चैपलेन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सर हमारा आंसर जो है वो सही है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा शिक्षा लब्धि का सूत्र है, शिक्षा लब्धि का सूत्र है, शिक्षा लब्धि बराबर मानसिक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सेकंड कह रहा है शिक्षा लब्धि बराबर ज्ञान आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु गुणा 100।
थर्ड कह रहा है शिक्षा लब्धि ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, और फोर्थ कह रहा है शिक्षा लब्धि वास्तविक आयु बटे ज्ञान आयु गुणा 100। तो 20वें का जो आंसर है वो हमारा बा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा लब्धि बराबर ज्ञान आयु बटे वास्तविक आयु गुणा का 100। ठीक है ना, ये हमारा जो है वो बा सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि लब्धि ठीक है ना, अचीवमेंट क्वांटेंट का सूत्र है, तो इसमें उपलब्धि लब्धि का ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100 ये है क्या, या उपलब्धि लब्धि बराबर ज्ञान आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 ये हो सकता है क्या, उपलब्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100 ये है क्या, या वास्तविक सॉरी उपलब्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। 21, तो 21 का जो है वो हमारा आ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपलब्धि लब्धि बराबर ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100। 22वां क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं या पांच होते हैं। 22वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा तीन है, मतलब सा जो है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। 23वां क्वेश्चन हमारा है केंद्रवर्ती माप का सबसे विश्वसनीय व स्थायी उपयोगी माप है, मध्यांक है, मध्यमान है, बहुलांक है या उपर्युक्त सभी है, तो 23 का जो है वो मध्यमान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बा जो है वो करेक्ट है मध्यमान। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है हमारा, यह कथन है समस्त अंकों के योगफल को इन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे मध्यमांक कहते हैं, गैरेट ने कहा, गिलफोर्ड ने, कैंपबेल ने या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 24वां का जो आंसर है वो गैरेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आ जो है हमारा वो सही है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है सिग्मा एक्स बटे वाई किस मान की गणना का सूत्र है, मध्यमान बहुलांक या मध्यमान विचलन या मध्यांक, तो 25 का जो है वो आंसर हमारा मध्यमान जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आ जो है वो हमारा करेक्ट है। 26वां क्वेश्चन है हमारा सामान्य अंकगणितीय मध्यमान की गणना की जा सकती है प्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि, लंबी विधि या बिना किसी विधि के प्रयोग किए, तो 26 का जो आंसर है वो आंसर हमारा द सही हो जाएगा, बिना किसी विधि के प्रयोग किए हुए। ठीक है, 27वां जो क्वेश्चन है हमारा वो संक्षिप्त विधि से मध्यमांक का सूत्र है। ठीक है ना, तो इसका 27 का जो आंसर है वो आंसर हमारा सा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूला इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान 80 है और इसके प्रत्येक प्राप्तांकों में 10 जोड़ दिया जाए तो परिवर्तित वितरण का मध्यमान होगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए 80 होगा, 90, 100 या 110, 28 का, तो 28 का जो है बा हमारा करेक्ट है, इसमें जो आंसर है इसका वो 90 है। 29वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संख्याओं का मध्यमान क्या होगा, 2, 4, 5, 9, 10 ये संख्याएं दी हुई हैं आपके लिए, इनका मध्यमान पूछ रहा है 29 का। ठीक है, तो 29 का इसका मध्यमान क्या होगा, तो इसका मध्यमान जो होगा वो सा जो है वो हमारा करेक्ट होगा, मतलब 6 होगा इसका। 30वां क्वेश्चन है हमारा ठीक है ना, 30वां क्वेश्चन हमारा 7, 6, 5, 4, 8 का मध्यमान होगा। ठीक है ना, तो 30 का जो आंसर है वो हमारा इसमें भी जो होगा वो 6 हमारा जो है वो करेक्ट होगा, मतलब द ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। ठीक है ना, 31 का
हाँ, वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान होगा, इसमें 1 दिया हुआ, 11, 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7 और 6 दिया हुआ है। इसका भी आपको क्या पूछ रहा है, मध्यमान पूछ रहा है 31st में, तो इसका भी जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, वो 6 होगा। ठीक है, निम्न निम्न में से कौन सा एक मध्यमान का सूत्र नहीं है, इसमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन सा है जो मध्यमान का सूत्र नहीं है, तो इसमें हमारा जो है द है वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, माध्यांक है, बहुलांक, या प्रसार, या मध्यमान। तो 33 का जो आंसर है वो हमारा प्रसार है, जो करेक्ट हो जाएगा, मतलब सारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन हमारा सही है। चौंतीसवां क्वेश्चन कह रहा है, समस्त अंकों की प्रवृत्ति प्रायः किन्हीं केंद्रीय अंक या मूल्य के चहुं ओर केंद्रित होने की होती है, इस प्रवृत्ति के माप को केंद्रीय प्रवृत्ति माप कहते हैं। ये किसने कहा है, कथन एलहेंस ने कहा है, ये सिम्पसन या काफका है, का है, टाटे का है, या गैरेट का है। तो 34वें का आंसर जो है वो सा हमारा सही हो जाएगा, सिम्पसन या कामटा वाला, काफ्टा वाला। 35वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दीर्घ विधि लॉन्ग मेथड द्वारा मध्यमान का गणना सूत्र है। ठीक है, तो 35वें का आंसर जो है वो हमारा बा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। इसके बाद में 36वां क्वेश्चन है हमारा मीडियन मतलब मध्य का, वह अंक है जिसके नीचे स्थित होते हैं, मतलब 25% अंक है, 50% अंक, 75% अंक और 100% अंक। तो 36 का जो आंसर है वो हमारा 50% अंक, मतलब स ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है, यह कथन है किसी मापनी का मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर व नीचे आधे आधे कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो ये गैरेट ने कहा है, या टॉटे ने कहा है, गिलफोर्ड ने, या एल हैंस ने। ठीक है, तो 37 का जो आंसर है वो गिलफोर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो आंसर बा जो है हम वो हमारा सही है। 39वें को सॉरी 38वां क्वेश्चन है हमारा, वितरण का मध्य बिंदु जिसके ऊपर और नीचे बराबर बराबर 50% प्राप्तांक रहते हैं, कौन सा केंद्रीय मान है, मध्यमान है, बहुलांक, या संयुक्त मध्यमान है, या मध्यांक है। तो 38 का जो आंसर है वो मध्यांक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब दा जो है वो सही है। 39 में कह रहा है, मध्यांक की गणना करने से पूर्व अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, सजातीय क्रम में, या विजातीय क्रम में। तो 39 का ऑप्शन जो है आरोही क्रम वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बा जो है वो हमारा सही है। इसके बाद में 40वां क्वेश्चन है हमारा कि अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना सूत्र है, एन बटे दोवां पद, या एन प्लस 1 बटे दोवां पद, एन प्लस 1/8वां पद, या एन बटे 2+1वां पद। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का जो है हमारा वो सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एन प्लस 1/2वां पद। ठीक है, इसके बाद में 41 मतलब 41वां क्वेश्चन है, निम्न प्राप्तांकों का मध्यांक कौन सा है, इसमें संख्या दी हुई है, 4 दी है, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 और 18, इसका मध्यांक पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 41 का जो आंसर है वो 10 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मध्यांक में देखो, ठीक है ना, ये मध्यांक में क्या कहते हैं, देखो इन संख्याओं को जो बीच में संख्या आती है उसको हमने कर लिया यहाँ पे केवल। 42वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा माप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, निम्न में से कौन सा माप जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, बहुलांक, या मध्यांक, विस्तार, या मध्यमान। तो 42वें का जो आंसर है वो विस्तार हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा सा जो है वो सही है। 43वां क्वेश्चन है हमारा कि प्राप्तांकों 7.8.10.12.9.11 का मध्यांक क्या होगा। ठीक है, तो 43वें का आंसर जो है वो हमारा 9.50 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन जो है हमारा वो आ सही है। 44वां क्वेश्चन कह रहा है, संचयी आवृत्ति की गणना कीजिए, मध्यमान में, मध्यांक में, बहुलांक में, या प्रमाणिक विचलन में। तो 44वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो मध्यांक हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। 45वां
में क्वेश्चन कह रहा है मध्यांक मतलब मीडियन का दूसरा नाम है आंकड़ों की गणना, बेजोड़ अंकों का औसत, सभी अंकों को औसत या जोड़ का औसत। तो 45 का जो है वो बेजोड़ अंकों का औसत जो है वो हमारा करेक्ट है, मतलब ऑप्शन हमारा सात जो है वो सही है। 46 में क्वेश्चन कह रहा है निम्न लिखे सूत्र किस केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सूत्र है, ठीक है ना, ये जो फार्मूला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ये किस केंद्रीय प्रवृत्ति का सूत्र है, मध्यमांक का है, बहुलांक का है, मध्यांक का है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 46 का जो है वो मध्यांक हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये किसका है, मध्यांक का फार्मूला है। 47वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किसने कहा कि बहुलांक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहां पर किसी वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। तो 47 का जो आंसर है वो हमारा आंसर गिलफोर्ड करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बा जो है वो हमारा सही है। 48वां क्वेश्चन किसी वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो कहलाता है, मतलब किसी वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति जो सर्वाधिक हो वो क्या कहलाता है, मध्यमांक कहलाता है, बहुलांक, प्रमाणिक विचलन कहलाता है या मध्यांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो 48 का हमारा बहुलांक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो हमारा वो सा सही है। 49वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का बहुलांक क्या होगा, 8 होगा, सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ 8, 7, 6, 8, 9, 8, 8, 5, 4, 8। तो 49वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो 8 हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हमारा बा सही है। 50वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रदत्तों का बहुलांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें से क्या जो बहुलांक है वो हमें ज्ञात करना है 50वें क्वेश्चन में। तो 50वें क्वेश्चन का जो है वो बा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 15, 15 क्या है हमारा बहुलांक है, देखो 1, 2, 3, 4 मतलब जो ज़्यादा बार आ जाए, ठीक, बहुलांक। 51वां क्वेश्चन है हमारा 51 वाला, आप लोकप्रिय वस्तु या फैशन संबंधी समस्या का ज्ञान करने के लिए किस केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ठीक है, उपयोग करेंगे, मध्यमांक का करेंगे, मध्यांक का, बहुलांक का या गणितीय मध्यमांक का। तो 51 का जो है वो बहुलांक हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। 52 पे आते हैं, बहुलांक ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, मतलब सूत्र क्या है, ठीक है ना। तो बहुलांक ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो आ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में बी कह रहा है, ये क्वेश्चन हुआ है हमारा बी में कह रहा है निम्नांकित सत्य असत्य कथन में से सही उत्तर चुनिए, मतलब इसमें सत्य और असत्य में छांटने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है, ये कथन बाडिंगटन का है, ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है सत्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी एक प्रक्रिया ना होकर अभिव्यक्ति है, सत्य असत्य इसमें छांटना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एक बालक को अर्थशास्त्र में 55 अंक प्राप्त हुए, सांख्यिकी भाषा में ये अंक मूल्य प्राप्तांक कहलाते हैं, तो तीसरे का जो आंसर है वो हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि किसी वितरण में किसी अंक या संख्या का बार बार आना आवृत्ति कहलाती है, तो फोर्थ का जो है किसी संख्या का बार बार आना वो क्या कहलाएगा, हमारा आवृत्ति कहलाएगा, तो ये हमारा जो है वो सत्य है। पांचवा क्वेश्चन वर्गांतर 40 और 44 का मध्य बिंदु 12 सॉरी 42 होता है, सत्य और असत्य इसमें से फाइंड करना है हमारे लिए पांचवें क्वेश्चन में, तो ये जो है हमारा वो सत्य है, मतलब 42 होता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय मान है, मध्यांक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय मान है, तो ये है जो हमारा वो असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, बटे एन ब्रैकेट एन माइनस वन बहुलांक गणना का सूत्र है, सातवें का, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा।
आठ में कह रहा है कि 7.8.10.8.6.8 वितरण का बहुलांक 8 है। इसका वितरण का बहुलांक कितना है? हमारा 8 है। तो ये 8 इसमें देखो ज़्यादा बार आ गया तो ये बहुलांक हो गया, 1, 2, 3 बार 8 आ रहा है, तो ये हमारा जो है वो सत्य हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है हमारा कि बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति का भाग नहीं है। बहुलांक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का भाग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर जो है वो इसका असत्य हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन कह रहा है बराबर एल दिया हुआ है, ठीक है, प्लस का एन बाई टू, एन बाई टू मतलब इसका एन बटे दो, ठीक है, माइनस का एफ बटे एफ एम इंटू आई मध्यांक का सूत्र है, ठीक है, ये सत्य है या असत्य आपको छांटना है, तो ये हमारा क्या है, ये सत्य है दसवें का। ग्यारहवां कह रहा है हमारा कि छात्रों के निम्न प्राप्तांक के से प्रसार है, 40 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 25, 10, 35 और 50, तो इसमें हमें सत्य और असत्य छांटना है, तो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सत्य है हमारा, ठीक है, इसमें प्राप्तांक से प्रकार से प्रसार है, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन कह रहा है सिग्मा एक्स बटे एन मध्यांक का सूत्र है 12वां, तो ये हमारा जो है वो असत्य है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है 2.4.5.9.10 का मध्यमान 6 होगा, 13वां क्वेश्चन, तो ये हमारा सत्य है, ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन कह रहा है प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है, प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मान है, तो 14वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा असत्य है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है एम बटे एम बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन गुणा सी इंटू आई मध्यमान गणना का संक्षिप्त विधि सूत्र है, तो 15वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा सत्य है। 16वां कह रहा है मध्यांक वह अंक है जिसके दोनों ओर 50% से 50% मतलब 50% 50% अंक स्थित होते हैं, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा सत्य है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 4.5.6.8.10.12.14.15.18 का मध्यांक 12 है, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा 17वें का ऑप्शन जो हमारा वो असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। असत्य कैसे हो जाएगा, इसका मध्यांक हमें देखना है, केवल देखो यहाँ पे जो मध्यांक का मतलब बीच वाला मान देखते हैं, यहाँ पे इधर से 12 के बाद जो संख्या आ रही है वो 3 आ रही है, इसके बाद संख्या जो है हमारी है वो 5 है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि संचयी आवृत्ति की गणना केंद्रीय प्रवृत्ति के मान मध्यांक में होती है, तो 18वां क्वेश्चन का आंसर हमें सत्य और असत्य में देना है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है हमारा आप फैशन संबंधी समस्या के ज्ञान के लिए बहुलांक मान का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो 19 का ऑप्शन जो है वो हमारा सत्य है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है हमारा कि 8.7.8.9.8.8.5.4.8 संख्याओं का बहुलांक 8 है, सत्य है, ठीक है ना। इसमें बहुलांक का मतलब जो चीज़ें जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो हमारा बहुलांक हो जाएगा, मतलब जो ज़्यादा बार आ गया, इसमें देखो 8 ही ज़्यादा बार आया है केवल। 21वां क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का सूत्र, ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, 21वां का क्वेश्चन जो है वो हमारा असत्य है। 22वां क्वेश्चन जो कह रहा है मध्यांक वह अंक है जिसके नीचे 45% अंक स्थित रहते हैं 22 का, तो ये भी हमारा क्या है वो असत्य है। 23 क्वेश्चन कह रहा है एम बराबर ए एम प्लस का सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना, बटे एन ब्रैकेट क्लोज लघु विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है, तो 23 का ऑप्शन जो है वो हमारा ये असत्य है, ठीक है ना। इसके बाद में यूनिट थर्ड हमारी स्टार्ट होती है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक सही है, उसमें हमें एक छांटना है केवल। ये कथन है विचलनशीलता का तात्पर्य प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है, यह फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। ये लिंड क्यूस्ट गैरेट गिलफोर्ड या इंग्लिश व बिंगलिस, किसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है? तो फर्स्ट का जो है वो गैरेट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा बा जो है वो सही है। प्रश्न दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि
कि विचलन के माप कितने प्रकार के होते हैं, विचलन के जो माप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, तीन, चार या पांच। तो ये ऑप्शन हमारा सा जो है वो सही है, चार प्रकार के होते हैं। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि विचलन मानों में सबसे विश्वसनीय मान कौन सा है, पराश मानक विचलन है या चतुर्थांश विचलन है या माध्य विचलन है। तो तीसरे का जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारा मानक विचलन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब बा जो है वो हमारा सही है। प्रश्न चौथा कह रहा है विस्तार या परास, ठीक है, जो इसे रेंज कहते हैं, से आप क्या समझते हैं, सबसे कम व सर्वाधिक मूल्य में अंतर, सबसे कम और सर्वाधिक अधिक, सबसे अधिक मूल्य का योग, या दो संख्याओं का अंतर या दो संख्याओं का जोड़। तो क्वेश्चन चार का जो आंसर है वो सबसे कम व सर्वाधिक मूल्य में अंतर, सबसे कम व सर्वाधिक मूल्य में अंतर, तो आज जो है वो हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्राप्तांकों का प्रसार होगा, 24, 20, 35, 18, 22, 10, 12, 16, 21, 28, 30। तो इसका क्या पूछ रहा है, वो प्रसार होगा, तो प्रसार पूछ रहा है, तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो 28 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थांश विचलन समंकमाला को बांटता है, ठीक है ना, चतुर्थांश विचलन समंकमाला को बांटता है चार भागों में, तीन भागों में, दो भागों में या पांच भागों में। तो सिक्स का आंसर जो है वो चार भागों में हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आ जो है वो हमारा सही है। सातवां क्वेश्चन है हमारा चतुर्थांश विचलन की गणना का सूत्र है, ठीक है, तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सा जो है वो करेक्ट है, Q3 - Q1/2। आठवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा 25th मतलब 25वां शतांशीय मान होता है, 25वां जो है वो शतांशीय मान होता है। तो आठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो दा है जो वो करेक्ट है हमारा, मतलब इसमें ठीक है, इसमें जो है क्यू है। इसके बाद में नवा क्वेश्चन है हमारा वितरण में Q1 वह बिंदु है जिसके नीचे निहित है 25% प्राप्तांक, ठीक है, या 50% प्राप्तांक, या 60% प्राप्तांक, या 75% प्राप्तांक। तो क्वेश्चन नाइन का आंसर जो है 25% प्राप्तांक, मतलब आ क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। दसवां क्वेश्चन कह रहा है तृतीय चतुर्थांश Q3 का विचलन है जिसके नीचे हो 75% आवृत्ति, 100% आवृत्ति, या 25% आवृत्ति, या 50% आवृत्ति। तो दसवें का जो आंसर है वो 75% आवृत्ति जो है वो हमारा करेक्ट है, मतलब वह हमारा सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा कि अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन का सूत्र है, ठीक है, तो ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर जो है वो बा है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, MD/σ, ठीक है ना, X/N, तो बा जो है वो हमारा करेक्ट है। नीचे दिए गए अंकों से मध्यमान विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो संख्या दी हुई है 28 दी हुई है, 28, 30, 25, 34, 33, 32 और 36, इससे हमें मध्यमान पूछ रहा है, तो मध्यमान हमें बताना है। तो 12वें का जो ऑप्शन है वो 2.5 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पहले माइनस लगा हुआ है। तेरहवां क्वेश्चन कह रहा है व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन गणना सूत्र है, तो 13 का जो ऑप्शन है वो हमारा सास सही हो जाएगा, ठीक है। चौदहवां क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल द्वारा प्राप्त मान है, चतुर्थांश विचलन है, प्रसार है, मध्यमान विचलन है, या प्रमाणिक विचलन है। तो 14वें का जो आंसर है वो प्रमाणिक विचलन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब द ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अव्यवस्थित अंकों से प्रमाणिक विचलन गणना है, तो इसमें जो डिजिट दी हुई है हमारी यहाँ पे 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11 और 12, तो 15वें का जो आंसर है वो हमारा आ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2.12।
क्वेश्चन है हमारा कि प्रमाणिक विचलन सदैव परिकल्पित ठीक है होता है, मध्यमान से, बहुलांक से, मध्यांक से या मध्यमान विचलन से। तो 16वें का जो आंसर है वो मध्यमान से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हमारा आ जो है वो सही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है व्यवस्थित प्रदत्तों से प्रमाणिक विचलन निकालने की संक्षिप्त विधि का सूत्र है। तो 17वें का जो आंसर है वो आंसर हमारा सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो एच डी बटे आई इसके पूरे पर रूट दिया हुआ है, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस का सिग्मा एफ डी बटे एन का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको क्या है, इसका हमारा होल स्क्वायर है और इस पे जो है पूरे पे हमारा रूट चढ़ा हुआ है। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 34, सिग्मा एक्स बराबर 0, एन बराबर 5, तो मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2.61 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा जो है वो ए वाला सही है। इसके बाद बी ऑप्शन आ गया इसका कि सत्य असत्य इसमें समय छांटने हैं। तो फर्स्ट कह रहा है विचलन के 5 माप होते हैं, ये हमारा जो है वो असत्य है। ठीक है ना, विचलन के माप 5 नहीं होते हैं। सेकंड कह रहा है विचलन मापों में मानक विचलन सबसे विश्वसनीय होता है। सेकंड, तो सेकंड हमारा जो है वो सत्य है। ठीक है, तीसरा कह रहा है हमारा कि विस्तार या परास सबसे कम व सर्वाधिक मूल्य का अंतर है, तो सत्य और असत्य इसमें छांटना है हमारे लिए, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सत्य हो जाएगा। फोर्थ हमारा कह रहा है चतुर्थांश विचलन समंक माला को 4 भागों में नहीं बांटती है, तो 4 का जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्राप्तांक 24, 20, 38, 10, 12, 16 का प्रसार 28 होगा। ठीक है, तो पांचवें का ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब हमारा ये सही है। छह कह रहा है प्रमाणिक विचलन सदैव मध्यमान से कल्पित होता है, प्रमाणिक विचलन जो होता है वो सदैव मध्यमान से कल्पित होता है, तो 6 का जो है वो हमारा सत्य हो जाएगा। क्या कह रहा है चतुर्थांश विचलन गणना सूत्र Q3 या Q1 है। ठीक है ना, तो इसका जो फार्मूला है वो ये जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा। 8वां कह रहा है प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल ही प्रमाणिक विचलन है, तो 8वें का जो है वो आंसर हमारा सत्य हो जाएगा। 9वां कह रहा है अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन का सूत्र MD सिग्मा एक्स ठीक है ना बटे एन है, तो ये हमारा जो है सत्य है। दसवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अव्यवस्थित आंकड़ों 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का प्रमाणिक विचलन मान 2:45 है। ठीक है ना, यहाँ पे ये अनुपात का साइन लगा हुआ है, तो दसवें क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा असत्य है। 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अर्ध अंत चतुर्थांश चतुर्थांक परास की चतुर्थांश विचलन है, तो 11वां का आंसर जो है वो हमारा सत्य है। इसके बाद यूनिट 5 हमारी जो है सॉरी 4 जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है। तो इसका जो क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन ए कह रहा है हमारा, मतलब इसमें 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक हमें सही छांटना है। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा कि यह कथन है सहसंबंध दो राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त तो संबंध की ओर संकेत करता है। ये कथन किसने दिया हुआ है, गिलफोर्ड ने दिया हुआ है, फर्ग्यूसन ने दिया हुआ है, जे लेथराप ने दिया हुआ है या गैरेट ने दिया हुआ है। तो इसका जो विकल्प है वो हमारा सा सही हो जाएगा, लेथराप। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, सह
संबंध जो है वो कितने प्रकार का होता है? तीन का होता है, दो का होता है, चार का होता है या पांच का होता है? तो ऑप्शन इसमें जो है वो एक आ करेक्ट हो जाएगा, ये तीन प्रकार का होता है क्या सहसंबंध। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3+1 सहसंबंध का तात्पर्य है पूर्ण ऋणात्मक, पूर्ण घनात्मक, सॉरी धनात्मक, उच्च धनात्मक या अति उच्च धनात्मक। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, पूर्ण घनात्मक, मतलब बा जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन क्या रहा है, पूर्ण सहसंबंध होता है, ठीक है, +1 +-1, -1 या कोई नहीं। तो चौथे का जो आंसर है वो +-1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब सह जो है वो हमारा सही है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि रैंक ऑर्डर विधि के प्रतिपादक हैं, रैंक ऑर्डर जो एक विधि है उसके प्रतिपादक कौन है, ठीक ना, कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन है, गैरेट है या मार्शल है? तो पांचवें का जो आंसर है वो स्पीयर मैन जो है वो हमारा करेक्ट है, तो सा क्वेश्चन जो है ऑप्शन हमारा सही है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि रैंक ऑर्डर विधि स्पीयर मैन विधि गणना करती है, मानक विचलन की गणना करती है ये, ठीक है ना, अंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करती है या आंकड़ों के बीच सहसंबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिक्स का आंसर जो है वो हमारा आंकड़ों के बीच सहसंबंध जो है वो हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा जो है वो सा। +75 सहसंबंध का अर्थ है धनात्मक सहसंबंध, सामान्य धनात्मक सहसंबंध, उच्च धनात्मक सहसंबंध या ऊपर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सातवें का जो है वो बा हमारा करेक्ट हो जाएगा, उच्च धनात्मक सहसंबंध। आठवां क्वेश्चन है हमारा स्पीयरमैन सहसंबंध का सूत्र है, स्पीयरमैन सहसंबंध का सूत्र है, तो इसमें से आठवें में से हमारा आ जो है क्वेश्चन वो सही हो जाएगा क्या? आ जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में नवा क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, -80 सह संबंध का अर्थ है, यह पॉइंट भी दिया हुआ है यहां पे, ठीक है, तो सामान्य ऋणात्मक है, अति उच्च ऋणात्मक या उच्च ऋणात्मक या उच्च परिपूर्ण ऋणात्मक। तो नमी का जो आंसर है वो हमारा आंसर सा सही हो जाएगा, अति उच्च ऋणात्मक। दसवां क्वेश्चन कह रहा है यह कथन है रेखाचित्र का घुमाव मस्तिष्क को प्रभावित करने में सारणीकृत विवरण की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। तो दसवें का जो आंसर है वो हमारा बा सही हो जाएगा, बाडेन गटन, ठीक है ना। ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है स्थान संबंधी श्रेणियों के निरूपण के लिए प्रयोग किया जाता है तिरमय प्रदर्शन या रेखीय प्रदर्शन। तो 11वें का जो आंसर है वो हमारा तिरमय प्रदर्शन जो है हमारा वो सही है, तो ऑप्शन हमारा आ सही है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा चित्र बीमा चित्र नहीं है, कौन सा चित्र जो है वो बीमा चित्र नहीं है, सरल दंड चित्र या संचयी आवृत्ति चक्र, सॉरी वक्र, बहुदंडी चित्र या अंतर विभक्त दंड चित्र। तो 12वें का जो आंसर है वो हमारा संचयी आवृत्ति वक्र जो है वो हमारा सही है, ठीक है, सब कुछ सब ऑप्शन। 13वां कह रहा है स्तंभ आकृति में एक्स अक्ष व वाई अक्ष में कौन सा अनुपात होता है, 1:1 होता है या 2:3 होता है या 3:4 होता है या 4:3 होता है? तो 13वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4:3 जो है वो हमारा करेक्ट है, मतलब दा जो है वो हमारा सही है। 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आवृत्ति बहुभुज बनाया जाता है वर्गांतर के उच्चतम सीमा पर, मध्य बिंदु पर, निम्न बिंदु पर और संचयी आवृत्ति पर। तो 14वें का जो आंसर है वो हमारा मध्य बिंदु पर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो बा जो है वो हमारा सही है। इसके बाद में इसके सत्यासत्य देखते हैं, तो -0.80 सह संबंध का अति उच्च धनात्मक सह संबंध है, इसमें सत्य औसत छांटने तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गणना की विधि दी, ठीक है, तो सत्य है या असत्य, ये हमारा क्या है, सत्य है, ये फर्स्ट, सॉरी हमारा ये फर्स्ट असत्य हो जाएगा, ठीक है ना, -0.80 सहसंबंध का अति उच्च धनात्मक सहसंबंध, ये हमारा असत्य है, ये हमारा गलत हो गया।
इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सहसंबंध गणना की कोटि अंतर्विधि, ठीक है ना, के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। तो तीसरा जो है वो हमारा सत्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्लस पॉइंट 90 सहसंबंध का अर्थ उचित धनात्मक सहसंबंध नहीं है, तो ये जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इसमें रो बराबर 1 - 6 σ d² / n, ब्रैकेट में n² - 1 सह संबंध गणना सूत्र है। तो इसमें हमें सत्य और असत्य छांटना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है स्तंभ आकृति में एक्स अक्ष व वाई अक्ष का अनुपात 4:3 होता है। बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा हम लोगों ने ये भी। ये सातवां क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति बहुभुज वर्गांतर के मध्य बिंदु पर होता है, तो सातवां ऑप्शन जो है वो हमारा सत्य है। ठीक है, इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है हमारा कि आयत क्षेत्र व आवृत्ति बहुभुज एक साथ एक्स धुरी पर दर्शाए जा सकते हैं, तो आठवें का जो वो है वो हमारा सत्य हो जाएगा, सही है। इसके बाद मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है ना, तो फर्स्ट कह रहा है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो उपयुक्त कथन किस विद्वान का है, ठीक है ना, तो इसमें दिया हुआ है SS ST Benz का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मापन क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है या उपर्युक्त आ तथा बा दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से जो है आ और बा हमारे दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मापन होता है, ठीक है ना, तो ये मात्रात्मक इसका करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मापन की कौन सी विशेषता नहीं है, मात्रात्मकता, वस्तुनिष्ठता, गुणात्मकता या प्रमाणिकता, तो इसमें गुणात्मकता जो है वो हमारा करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मापन का क्षेत्र होता है, मापन का क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, वो सीमित होता है। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है हमारा शिक्षा में मापन का महत्व है, तो शिक्षा में मापन का महत्व तो मानव व्यवहार का अवलोकन करने में है, शिक्षण विधि निर्मित करने में, शिक्षकों को अपनी शैक्षिक नीति के निर्धारण में, तो इसके उपरोक्त जो हैं वो सभी सही हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है राम ने शिक्षा शास्त्र में 50 अंक प्राप्त किए, यह प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया हमारी, ये मापन प्रक्रिया है। आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूल्यांकन एक नवीन प्राविधिक पद है जिसका उद्देश्य बालक की सर्वपक्षीय जांच है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा किसकी है, HW राइट स्टोन की, ठीक है ना, तो ये हमारा सा जो है वो सही है। नवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसने कहा कि नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मूल्यांकन है, ठीक है, तो ये किसने कहा, कैंपबेल ने। तो दसवां क्वेश्चन हमारा मूल्यांकन की प्रविधि है, ठीक है, तो निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, साक्षात्कार विधि और उपर्युक्त सभी, तो इसमें ये सारी विधि हैं, तो ये हमारा जो है दाव जो है वो सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन शैक्षिक मूल्यांकन का बिंदु है, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, उपर्युक्त सभी, तो इसमें भी हमारा ये सभी सही है। बारहवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, मापन का क्षेत्र मूल्यांकन से व्यापक है, मापन मूल्यांकन की अपेक्षा विशिष्ट होता है,
मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मापन परंपरागत तथा मूल्यांकन नवीन धारणा है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा आ जो है वो करेक्ट है, मापन का क्षेत्र मूल्यांकन से व्यापक है। 13वां क्वेश्चन, सतत आंतरिक मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं, प्रबंध समिति या दूसरे विश्वविद्यालय के शिक्षक या विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो इसमें शिक्षक जो है वो आ हमारा सही है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, सतत आंतरिक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है? ठीक है ना, तो इसमें रोजगार हेतु चयन जो है ये उद्देश्य नहीं है। मापन का स्तर सेकंड देखते हैं। मापन को चार स्तरों में किसने वर्गीकृत किया है? स्टीव विंस ने करा है। ये मापन का स्तर है, ठीक है, नामित स्तर, अंतराल स्तर, क्रमिक स्तर, मतलब उपयुक्त हमारा ये सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मापनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो चार प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, मापनियों का कौन सा प्रकार नहीं है? तो मापनियों का जो है वो प्रयोगात्मक प्रकार नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि वास्तविक शून्य किस मापनी से में होता है? वास्तविक जो शून्य होता है वो किस मापनी में होता है? तो ये अनुपातात्मक में होता है, ठीक है ना। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, किस मापनी में समान इकाई होती है? तो ये अनुपातात्मक में समान इकाई जो है वो होती है। सेवन क्वेश्चन कह रहा है, अंतराल मापनी कहलाती है जिसमें मापन शून्य से प्रारंभ होकर समान अंतराल पर आगे बढ़े, लेकिन मापन एक से प्रारंभ होकर समान अंतराल पर आगे बढ़े, कोई शून्य बिंदु ना हो परंतु समान अंतराल हो, समान अंतराल पर केवल शून्य तक मापन करे। तो ऑप्शन इसमें सात जो है वो हमारा करेक्ट है, कोई शून्य बिंदु पर ना हो, कोई शून्य बिंदु ना हो परंतु एक समान अंतराल हो। आठवां क्वेश्चन, टेलीफोन नंबर किस प्रकार की मापनी का उदाहरण है? तो टेलीफोन नंबर जो होता है वो नामात्मक मापनी का उदाहरण है। किसका? नामात्मक का। तो ऑप्शन हमारा सात जो है वो सही है। तीसरा है परीक्षण, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का एक वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत मापन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? ठीक है ना, तो ये परिभाषा जो है वो एने स्टेसी की है। किसकी है? एने स्टेसी की। तो आप जो है वो हमारा सही है। सेकंड कह रहा है, परीक्षण रचना का पहला पद कौन सा है? परीक्षण रचना का, परीक्षण को तैयार करना है या परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण का मूल्यांकन करना या परीक्षण की जांच करना। तो ये बात जो है वो हमारा करेक्ट है, परीक्षण की योजना बनाना। इसे कह रहा, अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषताएं नहीं है? अच्छी परीक्षण की जो विशेषताएं नहीं है वो है आत्मनिष्ठता, ठीक है ना। अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? आत्मनिष्ठता। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण की तकनीकी विशेषता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है बा करेक्ट हो जाएगा, विश्वसनीयता। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, परीक्षण की तकनीकी विशेषता कौन सी नहीं है? परीक्षण की तकनीकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें क्या है हमारा? उद्देश्य जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन जो है हमारा, निबंधात्मक परीक्षण का गुण है, निबंधात्मक परीक्षण का गुण है। तो ये हमारा सॉरी आ जो है वो करेक्ट है, रचना सरल रचना। चौथा है हमारा, सांख्यिकी का अर्थ प्रकृति महत्व एवं सीमाएं। स्टैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ठीक है, ये 1749 में किया गया, 1749 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन है, सांख्यिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो सांख्यिकी के जनक जो है गॉटफ्राइड अचेन वाल माने जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सांख्यिकी शब्द किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सांख्यिकी शब्द जो है वो एकवचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी को माना जा सकता है? तो सांख्यिकी को लिए हम विज्ञान एवं कला दोनों मानते हैं। ऑप्शन सात सही है हमारा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है किसने कहा है? तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है ये डॉक्टर बाउले ने कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा आज जो है वो सही है।
सिक्स क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, सांख्यिकी माध्यम का विज्ञान है, किसने कहा है? तो डॉक्टर बाउले ने कहा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा बार्डिंगटन ने दी है, ठीक है। पांचवा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में कौन सा माप सबसे अधिक स्थिर माना जाता है? अथवा में क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप है तो इसका क्या है? वो समांतर माध्य जो है, इसका आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सशंक समंक माला श्रेणी के चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला माध्य कौन सा है? तो इसका माध्य जो है समांतर माध्य, इसका ये आंसर सही है, आ वाला, ठीक। चौथा क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी या माला का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना, किस गणना में सम्मिलित किया जाता है? समांतर माध्य में। पांचवा क्वेश्चन हमारा है समांतर माध्य की गणना करने के लिए वर्गांतर होने चाहिए, समान, असमान, ठीक है, अपवर्जी या उपर्युक्त, सभी संभव। तो इसमें से उपर्युक्त जो है सभी समान भी होने चाहिए, अपवर्जी भी होने चाहिए और हमारे असमान भी होने चाहिए, तो आपका दा जो है वो सही है। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी गणना बिंदु रेखीय रीति द्वारा नहीं हो सकती है? तो समांतर माध्य की गणना जो है वो बिंदु रेखीय रीति रीति के द्वारा नहीं हो सकती है। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यमांक का सूत्र नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है सा जो है वो करेक्ट है, एम बराबर सिग्मा एफ डी बटे एन गुणा आई जो है वो मध्यमान का सूत्र नहीं है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है 7.8.6.4.8 का मध्यमान होगा, इसका ऑप्शन जो है वो 6 जो है वो करेक्ट है, दा वाला। निम्न में से कौन सा, नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्य स्थिति संबंधी माध्य है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये हमारा माध्यिका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सा वाला। दसवां क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि एक श्रेणी का मध्यांक वह अनुमानित अथवा वास्तविक मूल्य है जो वितरण को दो भागों में बांट देता है? तो ये होरेस सेक्राइस्ट ने कहा, किसने कहा? होरेस सेक्राइस्ट ने। ग्यारहवां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं है? तो मध्यिका जो है वो चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं है। बारहवां क्वेश्चन कह रहा है मध्यिका की बारहवां क्वेश्चन कह रहा है मध्यिका की गणना से पूर्व श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो है वो सा जो है वो करेक्ट है, आरोही तथा अवरोही किसी भी क्रम में। 13वां क्वेश्चन जो है हमारा निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यांक कौन सा है, ठीक है। 4.5.6.8.10.12.14.15 और 18 दिया हुआ मध्यांक पूछ रहा है, मध्य वाला मान। तो देखो 10 के बाद चार संख्याएं इधर हैं और 10 से पहले चार संख्या हमारी इधर है, तो जो संख्या मध्य में आएगी वो हमारा मध्यांक हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है बा हमारा जो सही है। 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2.4.5.9.8.6.5.7 संख्याओं का मध्यांक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन कितना है हमारा? 6 है, ठीक है। इसको आप क्रम से लिखेंगे सही से, ठीक है, 2.4.5.6 ऐसे, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5.7.10.12.15.16 का मध्यांक होगा, तो इसका मध्यांक कितना होगा हमारा? 11 होगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है किसी पदमाला में जिस मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? भूष्टक, है ना। तो ऑप्शन हमारा जो है वो सा जो है वो सही है। 11वां आप लोग देख लेना, 11 इसका सही है, ठीक है। क्यों 5 7 लिखेंगे, 5.7.10.12.15.16, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी हुई हैं, तो इसलिए क्या करेगा? 10 और 12 के बीच में बैठेगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 11 हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन जो है हमारा श्रेणी में बहुलक की आवृत्ति, ठीक है, श्रेणी में बहुलक की आवृत्ति जो होती है वो सबसे अधिक होती है।
18वां क्वेश्चन, भौलक की गणना में वर्गांतर होने चाहिए, समान होने चाहिए। 19वां क्वेश्चन, एक वितरण के माध्य और माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, उसके बहुलक के लिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है 3.5.6.5.7.5.8 में बहुलांक क्या होगा, तो उसमें बहुलक क्या है हमारा, देखो पाँच सबसे ज़्यादा बार आया तो हमने पाँच लिख लिया, तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, पाँच हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलांक बताइए, इसमें 7.8.10.9.6.8 दिया हुआ है, तो इसमें बहुलांक क्या हो जाएगा हमारा, जैसे उसमें पाँच ज़्यादा बार आया तो उसमें आठ ज़्यादा बार आया, तो आठ हमारा क्या हो जाएगा, बहुलांक हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो विस्तार या प्रसार जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। छठा आ गया हमारा विचलनशीलता के माप, तो फर्स्ट हमारा कह रहा है विचलन के माप कितने प्रकार के होते हैं, तो विचलन के माप जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है एक समंक माला को चार बराबर भागों में बांटना कहलाता है, एक समंक माला को चार बराबर भागों में बांटना क्या, चतुर्थक कहलाता है, तो ऑप्शन हमारा जो है बा जो है वो सही है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जा सकती है, तो एक श्रेणी में दो चतुर्थकों की गणना की जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है Q1 तथा Q3 की गणना के लिए मूल्यों को किस क्रम में लगाना चाहिए, तो किस में लगाना चाहिए, आरोही क्रम में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है, तो चतुर्थक ज्ञात कर विचलन ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या है, आ जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है माध्य विचलन की गणना की जाती है, समांतर माध्य से की जाती है माध्य विचलन की गणना, माध्यिका से भी की जाती है और बहुलक से की जाती है, तो ये हमारे तीनों सही है, मतलब ऑप्शन जो है वो हमारा द वाला सही है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारा है किस विचलन की गणना में बीज गणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, तो मध्य माध्य विचलन की गणना में क्या करते हैं, बीज गणितीय चिन्हों को छोड़ देते हैं। आठवां क्वेश्चन है प्रमाप विचलन अपकिरण की सापेक्ष माप है या निरपेक्ष माप है, आ तथा बा दोनों सत्य हैं या आ तथा बा दोनों गलत हैं, तो इसका बा जो है वो करेक्ट है हमारा, निरपेक्ष माप है। नवा क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की किस माप से मानक या प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन कह रहा है प्रमाप विचलन सदैव परिकल्पित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो आ हमारा करेक्ट हो जाएगा, समांतर माध्य से। दसवां क्वेश्चन है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन होता है, ठीक है ना, निम्न व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन होता है, इसके ऑप्शन जो है वो हमारा आ सही हो जाएगा, रूट में सिग्मा डी स्क्वायर बटे एम, ठीक है। 11वीं क्वेश्चन है हमारी प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है, तो एस इंटू डी बटे एक्स, सा जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद सहसंबंध पे आते हैं हम लोग, अगला जो है वो सहसंबंध है। फर्स्ट कह रहा है सहसंबंध की परिभाषा देते हुए किसने लिखा है कि दो पदमालाओं अथवा समूहों के मध्य पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को सहसंबंध कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है वो हमारा किंग हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो बा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा सहसंबंध होता है, ठीक है ना, तो सहसंबंध क्या होता है, धनात्मक भी होता है हमारा, ऋणात्मक भी होता है और हमारा रेखीय होता है, तो इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तो उपर्युक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1-6σd²(n)(n²-1) किसका सूत्र है, तो ये सूत्र जो है वो हमारा सहसंबंध का फार्मूला है, ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट है बी वाला। चौथा हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध के अध्ययन की माप नहीं है, तो लॉरेंज वक्र जो है वो सहसंबंध के अध्ययन की माप नहीं है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है स्पीयरमैन विधि से सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसमें बा जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है, 1-6σd²(n)(n²-1)।
क्वेश्चन कह रहा है, कार्ल पियर्सन ने सह संबंध की किस विधि का प्रतिपादन किया था? ठीक है, तो गुणनफल अघोर विधि का जो है प्रतिपादन किया था। प्रतिपादन किया था। ठीक, सातवां क्वेश्चन है हमारा कि सह संबंध गुणांक होता है सदैव ये प्लस माइनस वन तथा प्लस वन के बीच होता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, सह संबंध गुणांक की सीमाएं हैं अथवा सह संबंध गुणांक का विस्तार होता है, तो ये भी क्या है? इसका हमारा आंसर जो है प्लस माइनस वन से प्लस वन तक होता है। ठीक है, नवा क्वेश्चन, कोटि अंतर विधि से सह संबंध गुणांक की गणना किसकी देन है? तो इसका ऑप्शन जो है स्पीयरमैन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दसवां क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण सह संबंध होता है, पूर्ण सह संबंध इसमें दिया हुआ है प्लस माइनस 0.75 दिया हुआ है। ठीक है, और सेकंड जो दिया हुआ है प्लस माइनस 0.50 दिया हुआ है। ठीक है, सा में दिया हुआ प्लस माइनस 1 और दा में दिया हुआ प्लस माइनस 0.25, तो इसका प्लस माइनस 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में समांक का बिंदु रेखीय प्रदर्शन आठवां, निम्न में से किसकी गणना, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ द्वारा नहीं की जा सकती अथवा बिंदु रेखा द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं हो सकती? इसका क्या है? समांतर माध्य हमारा करेक्ट है। दूसरा कह रहा है हमारा, निम्नलिखित निम्न में से किस चित्र के द्वारा विरोधी प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया जा सकता है? तो विचलन एवं विचलन दंड चित्र के द्वारा, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें आवृत्ति आयत चित्र का दूसरा नाम है, ठीक है, सोपान चित्र। आवृत्ति आयत चित्र का दूसरा नाम क्या है? सोपान चित्र। चौथा कह रहा है, सतत श्रेणी में बहुलक की गणना किसके माध्यम से की जा सकती है? तो ये आवृत्ति तथा आवृत्ति चित्र के माध्यम से की जा सकती है। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आवृत्ति आयत चित्र निम्न में से किसका मूल्य ज्ञात करने में उपयोगी है? तो ये भूष्टक या बहुलक का मूल्य ज्ञात करने में उपयोगी है। तो ये थी हमारी वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा। ये 2022 के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक बार में ही मतलब सेकंड जो था वो आपको क्लियर करा दिया। ठीक है।